हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल जॉब कार्ड इन डीएमएस। डीएमएस से जॉब कार्ड को बिल हम कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हाउ टू बिल जॉब कार्ड इन डीएमएस। तो फ्रेंड्स, आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे हम जॉब कार्ड को ओपन करेंगे, कैसे उसे क्लोज करेंगे, है ना। वो सारा वीडियो मैं पहले से बनाया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि जॉब कार्ड कैसे ओपन करेंगे डीएमएस से और जॉब कार्ड को क्लोज कैसे करेंगे डीएमएस से, तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि हम जॉब कार्ड ओपन भी कर दिए हैं, क्लोज भी कर दिए हैं, उसके बाद हम जॉब कार्ड को बिल कैसे करेंगे डीएमएस से, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जॉब कार्ड जो होता है ना, उसको बिल किया जाता है, मतलब इनवॉइस जनरेट किया जाता है। सर्विस एडवाइजर जो जॉब कार्ड ओपन करता है, उसके बाद क्या होता है कि जॉब कार्ड को क्लोज करना होता है, ठीक है। जॉब कार्ड ओपन करने के बाद स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट में स्पेयर इशू करवाना होता है उस जॉब कार्ड नंबर पे, उस आरओ नंबर पे। देखिए, किसी किसी कंपनी में क्या है कि जॉब कार्ड नंबर बोला जाता है और किसी कंपनी में आरओ नंबर भी बोलते हैं। जॉब कार्ड नंबर आरओ नंबर डेट मीन्स रिपेयर ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो जॉब कार्ड नंबर जैसे ही क्रिएट होता है जॉब कार्ड ओपन के टाइम पे, तो उसके बाद क्या करता है सर्विस एडवाइजर, क्या करते हैं कि स्पेयर डिपार्टमेंट में जाते हैं और स्पेयर पार्ट्स उस जॉब कार्ड नंबर पे इशू करवाते हैं, ठीक है, या उस आरओ नंबर पे। जॉब कार्ड नंबर डेट मीन्स आरओ नंबर दोनों सेम ही है। किसी किसी कंपनी में जॉब कार्ड नंबर भी बोला जाता है, कहीं आरओ नंबर भी बोलते हैं हम, रिपेयर ऑर्डर नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट्स उस जॉब कार्ड नंबर या आरओ नंबर पे इशू करवाया जाता है, उसके बाद उसको क्लोज किया जाता है। जॉब कार्ड को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। क्लोज करने के बाद जॉब कार्ड को बिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बिल करने, हम जो जॉब कार्ड को बिल जो करते हैं ना, वो देखा जाए तो बिल और इनवॉइस जो है ना डीएमएस में मेनली दो टाइप का होता है, ठीक है। बिल और इनवॉइस क्या होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है वर्कशॉप बिल, फर्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, वर्कशॉप बिल, और दूसरा होता है काउंटर सेल, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्कशॉप बिल के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूं कि देखो, वर्कशॉप बिल जो होता है ना, वर्कशॉप बिल के लिए जॉब कार्ड ओपन और क्लोज करना होता है, ठीक है। वर्कशॉप बिल का मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स, जब सर्विस एडवाइज, जब कोई गाड़ी है ना, कस्टमर की गाड़ी जब वर्कशॉप में आती है रिपेयर होने के लिए, तो उस समय में सर्विस एडवाइजर उस कस्टमर को जाके अटेंड करते हैं, ठीक है। उनका प्रॉपर इन्वेंट्री करते हैं, एक मैनुअल स्लिप जॉब कार्ड में बनाते हैं, या फिर टैब से उसका जो भी है कस्टमर का जो भी वॉइस है, जो भी कंप्लेन है, उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। या फिर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू उनको एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू उनको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। एस्टिमेट कॉस्ट देते हैं, एस्टिमेट टाइम देते हैं, ये सर्विस एडवाइजर का काम होता है, ठीक है। तो जब कस्टमर अपनी गाड़ी लेके सर्विस सेंटर पे आते हैं या फिर डीलरशिप पे वर्कशॉप में आते हैं रिपेयर करवाने के लिए, तो उस समय में क्या है, सर्विस एडवाइजर रिसेप्शन पे जाके वो कस्टमर को अटेंड करते हैं और अटेंड करने के बाद एक जॉब कार्ड बनाते हैं, ठीक है। और जो उस जॉब कार्ड को क्या किया जाता है कि डीएमएस पे एक मैनुअल जॉब कार्ड बनता है या फिर टैब से भी बनता है। आप जॉब कार्ड आप जितनी भी कंपनियां हैं सब टैब इशू सर्विस एडवाइजर को करते हैं और टैब से भी जॉब कार्ड ओपन होता है, ठीक है। तो जॉब कार्ड ओपन करने के बाद क्या होता है कि उस जॉब कार्ड को क्लोज करना होता है, और क्लोज करने से पहले स्पेयर पार्ट्स को इशू करवाना होता है, ठीक है। तो वर्कशॉप बिल होता है। बिल इनवॉइस जो है ना मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्कशॉप बिल और दूसरा होता है काउंटर सेल, ठीक है। तो देखो, वर्कशॉप बिल जो है ना, जब कस्टमर वर्कशॉप में आते हैं रिपेयर करवाने के लिए, तो उस समय में जो सर्विस एडवाइजर जॉब कार्ड ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके बाद उसका जॉब कार्ड को बिल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जॉब कार्ड को हम बोलते हैं वर्कशॉप बिल, ठीक है। लेकिन काउंटर सेल में जॉब कार्ड ओपन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये डायरेक्टली बिल फ्रॉम स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट। जो भी कस्टमर अपनी गाड़ी लेके नहीं आते हैं, एक वर्कशॉप बिल का मतलब हुआ कि गाड़ी लेके आते हैं रिपेयर करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्विस एडवाइजर जॉब कार्ड ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके बाद उसको बिल करते हैं। तो इस तरह के बिल और इनवॉइस को वर्कशॉप बिल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स होता है काउंटर सेल। काउंटर सेल में क्या होता है कि कस्टमर को सिर्फ स्पेयर परचेज करना होता है, ठीक है। वो गाड़ी लेके नहीं आते हैं अपने, वो गाड़ी लेके सर्विस सेंटर पे या वर्कशॉप में नहीं आते, वो सिर्फ वो कोई पार्ट्स ऐसा रिक्वायरमेंट होता है उनको, और वो आते हैं स्पेयर पार्ट्स में और डायरेक्टली परचेज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनवॉइस को बोलते हैं हम काउंटर सेल, ठीक है, जो कि डायरेक्टली उस, तो ऐसे केसेस में जॉब कार्ड ओपन करने की जरूरत नहीं होती,
जॉब कार्ड ओपन तब करेंगे जब गाड़ी साथ में आए कस्टमर लेके, तब उसके बाद उसका वीन नंबर या चेसिस नंबर टाइप करके डीएमएस से हम जॉब कार्ड ओपन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बिल को, ऐसे सेल को बोलते हैं काउंटर सेल, जिसमें कि जॉब कार्ड ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, कस्टमर डायरेक्टली जो है ना एसपीआर पार्ट्स डिपार्टमेंट से कोई भी पार्ट्स परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब डायरेक्ट एसपीआर से जाके परचेज करते हैं तो ऐसे सेल को, ऐसे इनवॉइस को हम काउंटर सेल बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप बिल के बारे में। ठीक है, ये वर्कशॉप बिल, डेट मीन्स बिल, जॉब कार्ड बिल, ये कैसे करते हैं, इसके डीएमएस पे, इस ऑप्शन पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा एक चीज नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, जितने भी सर्विस एडवाइजर है या फिर डीएमएस ऑपरेटर या एडीपी जो भी हो, जो डीएमएस को ऑपरेट करते हैं, मेनली क्या होता है कि सर्विस एडवाइजर ही जॉब कार्ड ओपन क्लोज बिल वगैरह करते हैं। किसी किसी डीलरशिप में क्या होता है कि वर्कशॉप अगर बड़ा होता है, फ्लो ज़्यादा होता है, तो उस समय क्या होता है कि एक डीएमएस ऑपरेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है कि आपका काम है जॉब कार्ड ओपन बिल क्लोज वगैरह करना। ऐसे जनरली सर्विस एडवाइजर को पता होना चाहिए कि डीएमएस से कैसे जॉब कार्ड बिल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो कि होता क्या है नोट में कि जॉब कार्ड या आरओ नंबर मस्ट बी क्लोज विथ इश्यूज पार्ट्स। जॉब कार्ड को बिल करते करने से पहले है ना, बिल इनवाइस करने, वर्कशॉप बिल करने से पहले एक सर्विस एडवाइजर को ये इंश्योर कर लेना होता है कि जॉब कार्ड स्पेयर पार्ट्स इशू के साथ क्लोज है कि नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि जॉब कार्ड को हमको क्लोज करना होता है, क्लोज करने के बाद ही हम जॉब कार्ड बिल कर सकते हैं। ठीक है, और जॉब कार्ड क्लोज हुआ है तो साथ ही साथ स्पेयर भी इशू उस जॉब कार्ड पे हुआ है या नहीं, इस बात को भी सर्विस एडवाइजर पहले वो इंश्योर कर ले। ऑप्शन फॉर वर्कशॉप बिल और जॉब कार्ड बिल, ऑप्शन क्या होता है, हम डीएमएस पे किस किस स्टेप पे जाते हैं, ऑप्शन क्या क्या होता है, कैसे हम जॉब कार्ड को बिल करते हैं। फ्रेंड्स देखो, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये एक्चुअली क्या है, ये बेसिक चीज है। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको बताएंगे आज के वीडियो में वो एक बेसिक चीज है। एक्चुअली आप किसी भी कंपनी में काम करो, चाहे हुंडई हो, टाटा मोटर्स हो, या फिर वो क्या बोल रहे मारुति हो, किया हो, महिंद्रा हो, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि थोड़ा सा चेंजिंग हो, आप अलग अलग कंपनी में अलग अलग कुछ कुछ चेंजिंग हो सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर आप इस ऑप्शन को अगर समझोगे, समझ लोगे, तो आप किसी भी कंपनी में काम करोगे एक दो दिन आपको समझने में लगेगा, बाकी आप एडॉप्ट कर लोगे, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी कंपनी में है ना बेसिक चीज यही होता है, इसी तरह से हम वर्कशॉप को बिल करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखो, पहला होता है, फर्स्ट पॉइंट है लॉग इन डीएमएस। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डीएमएस को लॉग इन करेंगे। हर सर्विस एडवाइजर को अपना एक डीएमएस आईडी होता है, यूजर नेम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आप डीएमएस को लॉग इन कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि डीएमएस को हम लॉग इन करें, उसके बाद हम जाएं सर्विस पे। सेकेंड ऑप्शन होता है सर्विस, सर्विस वाले ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, सर्विस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आता है थर्ड में ट्रांजैक्शन। थर्ड ऑप्शन पे क्या आता है, ट्रांजैक्शन, क्लियर है। ट्रांजैक्शन के बाद आता है फोर्थ पे वर्कशॉप बिल या जॉब कार्ड बिल या इनवॉइस का ऑप्शन। ठीक है, वर्कशॉप बिल या जॉब कार्ड बिल या इनवॉइस के ऑप्शन पे हम जाके क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइव ऑप्शन पे आते हैं, पांचवा ऑप्शन पे आते हैं क्रिएट बिल, क्रिएट बिल पे आते हैं। ठीक है, या सर्च पे। फ्रेंड्स क्या है कि क्रिएट बिल या सर्च पे आओगे, अगर सर्च करके क्लिक करोगे तो जो भी क्लोज किया हुआ जॉब कार्ड है सब यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सबमिट करोगे तो वो क्या होता है कि उस आरओ नंबर पे क्या होगा कि आपका ये वर्कशॉप बिल का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, या अगर सर्च करने पे, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप उस सर्च बॉक्स पे आपको आपका जो जिस जॉब कार्ड को बिल करना है तो उस जॉब कार्ड का जो नंबर है ना वो आप टाइप करो, या आरओ नंबर टाइप करो और सर्च करो, तो जो भी क्लोज किया हुआ है जॉब कार्ड है वो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। और उसके बाद आप क्या करो कि क्रिएट बिल पे क्लिक करना होता है। जैसे ही क्रिएट बिल पे क्लिक करेंगे तो सिक्स ऑप्शन पे आता है ओपन वर्कशॉप बिल पेज। फिर सिक्स में जैसे हम क्रिएट बिल पे क्लिक करेंगे तो ये वर्कशॉप बिल का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है कि आप एक बार मैच कर लीजिए कस्टमर का डिटेल कि हम जिस जॉब कार्ड, जो मैनुअली जॉब कार्ड हाथ में है और जिसका हम बिल कर रहे हैं वो एक्चुअली में जो डीएमएस में ओपन है, जो हम बिल करने वाले हैं वो बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं है। कस्टमर नेम मैच कर लीजिए, उसके बाद आप पार्ट्स डिटेल भी
मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद सारा चीज आप पार्ट्स डिटेल एंड कस्टमर डिटेल को मैच कर लीजिए कि ये जो दिख रहा है ये यही कस्टमर है कि नहीं है, यही पार्ट्स वार्ट्स लगा है कि नहीं है। ठीक है, लास्ट में आता है 7 में, आप क्या कीजिए कि सबमिट कीजिए। लास्ट में ऑप्शन आएगा सबमिट, तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो वहां क्या है कि शो बिल नंबर इनवॉइस नंबर, फिर उसके बाद आपको बिल नंबर डीएमएस पे या इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको बिल नंबर और इनवॉइस नंबर शो कर देगा। ठीक है, अब उस बिल नंबर इनवॉइस नंबर को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है फ्रेंड्स वर्कशॉप बिल और जॉब कार्ड बिल करने का ऑप्शन होता है डीएमएस से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या है कि सर्विस एडवाइजर को एक बात का ध्यान देना जरूरी है ना, कि नोट में देख लीजिए कि फर्स्ट क्रिएट प्री इनवॉइस, है ना, एक सर्विस एडवाइजर को फर्स्ट क्रिएट प्री इनवॉइस देन क्रिएट फाइनल इनवॉइस। फ्रेंड्स क्या है कि लास्ट में जब आप जाओगे ना तो वहां क्या है कि आपको एक आएगा ऑप्शन प्री इनवॉइस का, एक आएगा फाइनल बिल का सबमिट का। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि सर्विस एडवाइजर को पहले प्री इनवॉइस जनरेट करना चाहिए, प्री इनवॉइस जनरेट करके प्रिंट निकाल लीजिए और कस्टमर को एक एक पार्ट्स के बारे में आप एक्सप्लेन करो। एक सर्विस एडवाइजर को एक्सप्लेन करना चाहिए कि सर आपकी गाड़ी में जो काम हुआ है ना उसका, उस गाड़ी में क्या क्या पार्ट्स चेंज हुआ है वो ये सब है, ये सर आपकी गाड़ी में ये इंजन ऑयल चेंज हुआ है जो कि इसका अमाउंट कितना है, ऑयल फिल्टर लगा है सर, फ्यूल फिल्टर लगा है, एसी फिल्टर लगा है ना, डीजल फिल्टर लगा है, ब्रेक पैड लगा है, जो भी अगर लगा हो तो वो आप एक्सप्लेन करके बताओ और उसका अमाउंट भी बताओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका सर्विस ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा और कस्टमर को लगेगा कि जो भी बिल दिया वो प्रॉपर हमको एक्सप्लेन करके बता रहा है सर्विस एडवाइजर। इससे आपका कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। ठीक है, दूसरा कि एक फायदा ये भी है सबसे पहले प्री इनवॉइस जनरेट करने का, क्योंकि जब आप प्री इनवॉइस जनरेट करते हो तो उस समय में अगर कहीं भी किसी भी तरह का पार्ट्स अगर मिस हो गया हो या फिर वर्कशॉप में पार्ट्स कुछ लगा हो लेकिन गलती से क्या हुआ स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट उस पार्ट्स को स्पेयर इशू नहीं किया हो उस जॉब कार्ड या आर ओ नंबर पे, तो क्या होगा कि पार्ट्स आपका उसमें दिखेगा नहीं प्री इनवॉइस पे। तो अगर कोई भी त्रुटि हो, कोई भी गलती हो, तो प्री इनवॉइस के समय में अगर आपको पता चल जाता है फाइनल बिल करने से पहले प्री इनवॉइस में आपको मालूम चल जाएगा कि अगर किसी भी तरह का कोई अगर गलती हो या फिर कुछ और सामान अगर ऐड कर रहा हो उसमें, तो वहां क्या है कि आप प्री इनवॉइस के समय में आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे कि आप फाइनली क्या करोगे कि आप उसको उस जॉब कार्ड को रीओपन भी कर सकते हो, है ना, एक रीओपन करके फिर अगर कोई पार्ट्स अगर और लगना हो कस्टमर का एडिशनल, अगर कुछ पार्ट्स अगर डिमांड हो जाए तो आप उस पार्ट्स को इशू करके आप लगवा सकते हो, काम करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर फाइनल बिल अगर बन जाएगा ना तो फिर वहां दिक्कत होगा, तब फिर उस जॉब कार्ड को रीओपन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी अगर जॉब कार्ड को बिल कर रहे हैं ना, एक सर्विस एडवाइजर को जॉब कार्ड को बिल करने से पहले प्री इनवॉइस जनरेट करना चाहिए और प्री इनवॉइस जनरेट करने के बाद वो प्रिंट निकाल ले और प्रिंट निकाल के एक एक पार्ट्स के बारे में कस्टमर को वो एक्सप्लेन करें और एक्सप्लेन करने के बाद नीचे एक सिग्नेचर होता है कस्टमर से आप साइन भी ले लीजिए, तब जाके आप फाइनल बिल करें। आप अगर कोई भी चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं जॉब कार्ड ओपन करके रीओपन करके, लेकिन अगर आप फाइनल बिल अगर कर दिए ना तो उसके बाद वो उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं प्री इनवॉइस तक, लेकिन जब अगर फाइनल बिल कर दिए ना तो फिर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, फिर जॉब कार्ड को फिर उस इनवॉइस को कैंसिल करना होगा और कैंसिल करने का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। क्या है कि आपको अप्रूवल लेना होगा सीनियर पर्सन से, आपको जनरल मैनेजर के पास जाना होगा, सीईओ सीएमडी के पास दौड़ना होगा कि सर ऐसे ऐसी बात है आपको कैंसिल कीजिए, आपको क्वेश्चन किया जाएगा, बहुत थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसीलिए कभी भी सर्विस एडवाइजर को पहले प्री इनवॉइस जनरेट कीजिए, उसके बाद फाइनल क्रिएट बिल कीजिए, फाइनल क्रिएट इनवॉइस करना होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट फ्रेंड्स जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।